आज हम लेक्चर 20 में डिजाइन ऑफ आरसी सब्जेक्ट के अंतर्गत डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम सेक्शन के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ आरसी सेक्शन के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी दैट इज MU एट ECM एप्सिलॉन C इक्वल टू 0.0035 एनी मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट एट एक्सट्रीम फाइबर 0.0035 पर है ये। तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी MU इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स यहां से लिया हमने ये पिछले लेक्चर में तो C इक्वल टू 0.036 FCK B इंटू XU B इंटू XU क्या है BA है और XU क्या है इसका डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस का तो एरिया हो गया और ये 0.36 FCK स्ट्रेस हो गया तो ये हो गया फोर्स कंप्रेसिव फोर्स C इंटू लीवर आर्म ये लीवर आर्म दोनों फोर्सेस कंप्रेसिव फोर्स टेंसर फोर्स के बीच का डिस्टेंस लीवर आर्म होता है जिसको जेड से डिनोट करते हैं इक्वल टू है डी माइनस 0.42 XU। ये पैराबोलिक जो सेक्शन है इसका जो है सेंट्रॉइड जो है 0.42 XU पर है। हमने पिछले लेक्चर में निकाला था ये तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की है और MU इक्वल टू 0.036 FCK X। अब यहाँ पर हमने क्या किया ये B को यहाँ कॉमन ले लिया है इधर पे और ये D का डिवाइड कर दिया और D का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से D कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.42 FCU अपॉन D ये इस फॉर्म में लिया क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ये वैल्यू निकाली थी XU लिमिट Y अपॉन D की तो इसके लिए इस फॉर्म में हम लेके आए हैं। नाउ फॉर द लिमिटिंग केस ऑफ बैलेंस सेक्शन MU लिमिट ये तो इसके लिए हो गया जनरल के लिए ये MU लिमिट सेक्शन के लिए हो गया लिमिट सेक्शन यानी कि जब ये एक्सट्रीम फाइबर में कंप्रेसिव जोन में कंक्रीट का जो है स्ट्रेन जो है 0.0035 होता है और स्ट्रेन जो है स्टील में 0.002 प्लस 0.087 FY अपॉन ES होता है तो उस कंडीशन के लिए ये है MU लिमिट। तो MU लिमिट इक्वल टू 0.36 FCK MU लिमिट अपॉन D ये खाली इसमें अपन ने इसमें लिमिट लगा दिया भाई लिमिटिंग वैल्यू लिमिट दी बाकी यही फार्मूला सेम का सेम है 1 माइनस 1.0.42 XU / D है तो XU लिमिट / D लिख दिया और ये BD स्क्वायर सेम का सेम लिख दिया तो ये फार्मूला आया। अब ये इसमें MU लिमिट इक्वल टू K इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर जहाँ K क्या है ये अब K के बराबर जो इतना सारा इसको लिख के बराबर एक कॉन्स्टेंट का मान लिया 0.036 ले लिया और ये XU लिमिटिंग वैल्यू अपॉन D ले लिया ये इसको ले लिया और ये बीच का पोर्शन भी ले लिया इसको K नाम दे दिया ये वेक्टर K नाम दे दिया। तो लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हम इससे निकालेंगे इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाला हमने फॉर Fe 250 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट माइल्ड स्टील के लिए K इक्वल टू 0.36 मल्टीप्लाई बाई MXU लिमिट अपॉन D अपन पिछले टेबल में निकाला था 0.53 पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें वैल्यू निकाली है XU लिमिट / D तो 250 ग्रेड के लिए स्टील के लिए 0.53 है इसकी वैल्यू इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 ये वाली वैल्यू सेम का सेम 0.53 इसको सॉल्व किया तो 0.148 आया। तो इसमें इस स्टील के लिए MU लिमिट की वैल्यू क्या आएगी ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सेक्शन आएगी ये 0.148 FCK BD² आ जाएगा। उसी प्रकार से फॉर
Fe 415 ग्रेट कंक्रीट स्टील के लिए के इक्वल टू 0.,, इसी फॉर्मूले से के निकाल लेंगे 0.36 इंटू ये 415 Fe 415 के लिए 0.48 निकाला था हमने वैल्यू, तो इसमें 0.48 रख देंगे इसकी वैल्यू इंटू 1 माइनस 0.40 इंटू, फिर यहाँ पर ये वापस इसमें लग दिया 0.548 रख देंगे, यहाँ पर 48 रख देंगे, इसको हल करेंगे तो 0.138 आया के की वैल्यू। तो एम यू लिमिट इक्वल टू 0 के एफ सी डी वी डी स्क्वायर, के की वैल्यू निकाले पर नहीं है तो 0.138 एफ सी के इंटू वी डी स्क्वायर है। उसी प्रकार से फॉर एफ ई 500 ग्रेट स्टील के लिए की इक्वल टू 0.36 इंटू ये 500 के लिए एफ ये एम यू लिमिट अपन डी की वैल्यू अपन 4.46 निकाला था, तो 4.6 लिख दिया इंटू 1 माइनस 0.42, फिर वापस इसकी वैल्यू रख दी हमने 0.46 रख दिया वापस, और इसको हल किया इसको के को, तो ये 0.133 आया। तो एम यू लिमिट बाय इक्वल टू हो गया 0.133 एफ सी के वी डी स्क्वायर इस फार्मूले से। तो हमने ये तीनों सेक्शन के लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमने ये निकाला कि इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल जानकारी मिले। अभी इस अगले लेक्चर में भी ये कंटिन्यू रहेगा ये, और हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए, स्केच वगैरह इसलिए नहीं मिटाया हमने पिछले लेक्चर के ही, ताकि उसको समझने में, वैल्यू समझने में आपको आसानी हो। तो ओके, थैंक्स, धन्यवाद।